तो भाई क्या हाल है आप सबका। हम पहुंच गए हैं विलेज, ठीक है। और विलेज में जो है इस टाइम मैं ईद की नमाज शमाज पढ़ के हम आ गए हैं। और मैं थोड़ा सा आपको विलेज का टूर कर रहा हूँ, और साथ में ये है कि आपको लेके जाऊंगा क्रॉसिंग पॉइंट पे, ठीक है। वो क्रॉसिंग पॉइंट जो कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से मिलाती है। का नाम है जवाद अली, और ये यहाँ पे आए थे दुकान पे, लेकिन दुकान बंद है। मैंने इनसे पूछा कि भाई ईडी कितनी हुई है आपकी, तो कहते हैं 1000 रुपया। चलो दिखाओ मुझे ज़रा, कितना है 1000 रुपया? ये तो 50 रुपया है। बाकी मामा के पास है। यार जी, हम भी यार बचपन में होते थे ना, तो पता है क्या होता था, जो भी हमारी ईडी होती थी ना, तो हमारे अम्मी अबू ले लेते होते थे, 10 रुपये हमें दे देते थे, जो चीज़ें खा लेना इसे। बाकी जो भी ईदी होती थी वो समझ लो जी खींच ली जाती थी, और हम 10 रुपये लेके घूम रहे होते थे। फिर हमें चीज़ें पसंद आती थी, गाड़ियाँ, छोटे छोटे होते थे हम, और ये होता था कि पैसे नहीं होते थे। फिर हम घर आते थे, हमारी ईदी दो। लेकिन अब तो बड़े हो गए हैं यार, हमसे बच्चे ईदी मांगते हैं, भाई ईदी दो, और हम बेरोजगार हैं। भाई चैनल सब्सक्राइब करो यार, कोई चैनल मोनेटाइज करूँ अपना, पैसे ही ऐसे आए। देखो बच्चे भी हंस रहे हैं, पैसे जैसे आए कोई बच्चों को ईदी शीदी दें, वरना कसम है बेइज्जत हो जाते हैं। तब मैं छोटा होता था तब लोग हंसते थे, अब ये हो गया पैसे मिले। तब बड़े होते हैं लोग हंसते हैं, बड़े होते हैं लोग हंसते हैं, तब बड़े होते हैं तो चला नहीं पता। सब्सक्राइब कर दो मेरा, मेरा चैनल सब्सक्राइब है तो प्लीज। हम ये ये हमारा विलेज है जी, ठीक है। और ये रोड है, रोड काफ़ी अच्छी है हमारे विलेज की, नई रोड बनी हुई है। और ये हैं जान अब्बास। कितनी ईदी हुई है आपकी? ईदी कितनी हुई है? 100 रुपये। आपकी कितनी हुई है? 100 रुपये मेरा। आपको भी 100 रुपये हुए? क्या लोगे इनका? इनका क्या लोगे 100-100 रुपये का? क्या लेना है आपने? पेप्सी लेनी है आपने? पेप्सी नहीं ना पीते, वो तो इसराइली की ड्रिंक है, कुछ और लो ना। क्या लोगे? जूस पी लेना। क्या उर्दू में बोलो फिर मैं लगा के दूँ। उर्दू में बोलोगे मुझे गेम लगा के दो इस तरह करके, तो फिर मैं आपको गेम लगा के दूँ। सही तरह बोलो ना। ओ नाराज हो गया। इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ, मैं देता हूँ। यार जान नाराज हो गया, कह रहा था फोन लेके तो वो जा रहा है वहां से गया। ये हैं हमारे मिसम भाई, जो कि मेरे छोटे कज़न हैं, भाई हैं, और ये सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद रहे हैं। हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन में इधर ही रहे, ये इस्लामाबाद रहे हैं। अभी हमसे ज़्यादा इनको पता है गांव का, और ये हमारे समझ टूर गाइड हैं। बिल्कुल, अभी हम इनको लेके जा रहे हैं तेतरी जगह, जिस जगह से तेतरी नोट मशहूर है। चलें चलते हैं, दिखाते हैं आपको तेतरी। लो जी, ये है गंदम। गंदम की फसल जो है ना इस तरह की,
उन्हें देखी होगी। हमारे गांव में आजकल जो है ना गंदम का सीज़न है और ये कुछ सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं जो कि लोगों ने, लेकिन ये वो पीछे तक जो है ना गंदम के खेत ही खेत हैं। मिसम भाई हमें लेके जा रहे हैं किधर, तेतरी दिखाने, जिसकी वजह से हमारा ये विलेज मशहूर है तेतरी नोट। और चलो वो भी देखते हैं, साथ में कोशिश करेंगे यार के सीज फायर लाइन पे भी जाया जाए, जहाँ पे थोड़ा सा हमें पार इंडिया भी नज़र आए, उसको भी थोड़ा सा हम कवर करते हैं। और इस टाइम हम आपको एक ऐसी जगह से लेके जाएंगे जहाँ से लोग चलते हुए वैसे रात को शाम को डरते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, भारी जगह है। तो कैसी जगह मैं दिखाता हूँ आपको, तो जी भाई ये वो जगह है, ये पानी है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जिन भूत होते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से हम चल के आए इस साइड। तो वैसे मैं आपको अगर एक बात बताऊँ ना, ये जो इसको हम कसी बोलते हैं ना, ये कसी जो है ना इसे इस तरफ वैसे इंडिया वालों के मैप में है कि ये सारा इंडिया है, ये इंडिया के पास होना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के पास है। आओ निको, इधी को जमा की थी ने, क्या हाल है, सलाम करो, ईद दियो तू सो असें दियो ना यार, ये जी इस घर में हम आए ईद खाने के लिए, और यहाँ से हमने एक बंदे को उठाना है जो कि मेरा दोस्त भी है, चाचा भी है, रिश्तेदार भी है, बचपन से मेरे रास्ते में भी है। यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। हम इस टाइम कच्चे घर में हैं और बड़े मजे के यार बना हुआ है, पुराना तमीर हुआ है। थक गए यार, पसीना चढ़ गया, पसीना। अच्छा भाई इधर चक्कर ये होता है ना विलेज का कि किसी के घर आप चले जाते हो ना, तो और ऊपर से हो भी ईद का दिन, तो बगैर कुछ खाए आप वहां से जा नहीं सकते, आपको इजाजत नहीं होती। ये पानी है जैसे कि कुआं वगैरह होता है, तो इधर कराया है हमने बहुत अच्छा, यहाँ से पानी जाता है घर तक हमारे, सही हो गया। और ये है तकरीबन 200 से 250 फुट पानी लिखा हुआ है, काफी काफी ज्यादा है। अच्छा ये पीछे जो पहाड़ है यहाँ, इसके ऊपर हम टॉप तक जा सकते हैं? नहीं, ऊपर यह के रीच वगैरह जंगली जानवर बहुत है। अच्छा ऊपर जंगली जंगल है, वहाँ पे बहुत जंगल है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और यह कि इससे पीछे जो पहाड़ी है वो काफरों की मतलब इंडिया की, इंडिया ये लास्ट पहाड़ी है जो पाकिस्तान में आ रही है। सही हो गया, तो हमारी इधर आर्मी नहीं है यार, आर्मी हमारी बात एक पोस्ट इधर है, एक उधर है, तो एक आगे करके तीन पोस्ट, तीन से ज्यादा कुछ नहीं। और वो जो इलाका सारा आता है, वो इलाका सारा आ रहे
चंबर जिसे कहते हैं, ये उसमें आ रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान का है? ये सारा पाकिस्तान का। सही हो गया यार। अभी हम ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे नुकीले पत्थर ज़्यादा हैं, और इस रास्ते से होते होते हम जाएंगे, हमारे जो कज़न भी हैं और ये टूर गाइड भी हैं इसके, तेतरी नोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो हैं हमारे मिशन शाह साहब, और वो हमें ऐसी ऐसी जगह से लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई एडवेंचर करो। और ऐसे ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, पीछे सारा जंगल है भाई। मैं थक गया हूँ, और ये अभी चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा, हमने यहाँ से चल के जाना है। यहाँ पे ऐसी जगह काफ़ी हैं, इनसे बच के करना पड़ता है। यहाँ पे आपका पाँव मुड़ने का खतरा हो सकता है, क्योंकि नुकीले पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। थक गया हूँ यार, चल चल जी। एक्सप्लोर करने चले नेचर को, और सांस छोड़ के ये, ओह माय गॉड, ओह यस, काफी ऊपर आ गए यार पैदल चढ़ के। और सुनने में आया कि इधर से ज़रा सा ऊपर और जाना है, और वहाँ से आगे कच्ची रोड स्टार्ट हो जाएगी, तो उस कच्ची रोड से फिर हम सीधे सीधे आगे जाएंगे। चढ़ रहा हूँ खुद ही, तो ये सारा चक्कर है यार, हम जो है वो चढ़ रहे, सांस भी चढ़ रही है हमें। पता नहीं स्टिल चढ़े जा रहे हैं, रोड नहीं आई अभी तक यार। चलो 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 चलो, थक गए हो? देखो मैं नहीं थक रहा, तुम लोग थक रहे हो। तो अभी हम काफी ऊपर आ गए, लो जी भाई टॉप टॉप से आपको गांव का नज़ारा कराते हैं। ये टॉप है, आपको लेके जाएंगे वहाँ पे बेला, वो सबने पार जो पहाड़ी है ना वो है इंडिया की, वहाँ पे सब इंडिया इंडिया दरिया से पार, और इस दरिया से इस तरफ वो बीच में आप जहाँ जहाँ तक मेरी उंगली जा रही है यहाँ तक सिर्फ पाकिस्तान है, सीधा सीधा लाइन में, उससे इधर इधर सारा इंडिया है। और ये इलाका जो भी है ना, ये इलाका भी इंडिया में ही आता है, लेकिन यहाँ पे अभी पाकिस्तान वाले हैं। मतलब अब अगर मैं यहाँ पे कॉल कर तो कॉल करते हुए पता क्या लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ आता है कि अगर आप +92 कंट्री कोड नहीं लगाते तो लिखा हुआ आता है कि आप कोलकाता वेस्ट बंगाल से कॉल कर रहे हो। मतलब कि ये इलाका उनके कागज़ों में GPS के थ्रू अगर देखा जाए तो ये उस स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, जैसे कि हम कह रहे हैं पुंछ, तो आज़ाद कश्मीर का जो ज़िला है पुंछ, वैसे वो कहते होंगे जी वेस्ट बंगाल में है कोलकाता, कोलकाता कश्मीर में, मतलब ऐसे ही कुछ समझते हैं ना। तो जी भाई हम आ गए हैं तेतरी, ठीक है, जिसके नाम पे हमारे इस गांव का नाम है तेतरी नोट, जिसकी वजह से पूरा गांव तेतरी नोट के नाम से मशहूर है। अब तेतरी और नोट ये दो अलग चीज़ें कैसे इन्होंने बनाई तो मैं आपको बताता हूँ कि एक और जगह है तेतरी, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इसके साथ पर जो जगह है ना जो इसके साथ मिलती है उस जगह का नाम है नोट,
तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना तो जगह इसको बना देते हैं तैतरी नोड। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे ये दो जगह मिल रही होती हैं, जैसे हमारे मुजफ्फराबाद में है दो मेल दो दरिया मिलते हैं जहाँ पे, तो वैसे ही तैतरी नोट ये दो जगहों के नाम वो इकट्ठे लेते हैं तैतरी नोट, मतलब दो जगह मेन। कच्ची सी रोड आपको नज़र आ रही है ना, ये रोड सीधी तैतरी जाती है, ठीक है। और ये रोड बनाई भी है पाकिस्तानी आर्मी ने, क्योंकि यहाँ से इनके ट्रक और जीप्स वगैरह जो है ना कोई सामान हो तो वो पोस्ट तक लेके जाती हैं। मिसम भाई गए थे घर और चेंज कर रहे हैं, कहते हैं जी आप दोनों ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, मैं कपड़े क्यों पहनूं? तो ये देख पप्पू बन के आ गए। क्या उठाया मिसम भाई? स्पीकर लाया। ये किस लिए लाया? ये स्पीकर बस थोड़ा जब माहौल बनाएंगे हम लोग इधर इंजॉय करने के। इतनी में कहीं काफर ना आ जाए उधर से? नहीं नहीं काफर नहीं आते इधर भाई। भाई पूरे जंगल में पहुंच गए। ये आपको रोड नज़र आ रही है ना, ये पाकिस्तान आर्मी ने बनाई है, ठीक है। और ज़्यादा आगे भी नहीं हम जा सकते, ये ना हो कहीं बिल्कुल इंडिया के सामने चले जाएँ, उनकी पोस्टों के सामने चले जाएँ और वो वहाँ से हमें फायर मार के उधर ही मार दें। तो भाई जगह बड़ी प्यारी है, खूबसूरत, मज़ा आ रहा है। यहाँ से उतर के ना आप चले जाते हैं नीचे नाली में, वो बिल्कुल दरिया के पास ही, समझ लें आप। हम तो ऊपर ऊपर से ऊपर आ गए ना, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे है, यहाँ से नीचे काफ़ी नज़ारा मिलता है। अभी हम आपको जो है ना ग्राउंड दिखाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के जो है ना हेलीकॉप्टर बैठते हैं, और यहाँ पे बैठते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह जब भी कोई हंगामी सूरत हाल होती है, कुछ भी लाना होता है तो यहाँ पर वो लैंड करते हैं। फर्दर यहाँ से इस ग्राउंड से ना हमारे इस गांव का नज़ारा भी बहुत मज़े का आता है, वो भी आपको दिखाते हैं ऊपर से, क्योंकि ड्रोन हमारे पास है कोई नहीं और हम आपको एरियल व्यू दे नहीं सकते, इसलिए हम हाइट व्यू देंगे आपको, ठीक है। चलें जी नज़ारा एंजॉय करें। भाई ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे आके हेलीकॉप्टर्स बैठते हैं उनके, और यहाँ पे आम लोग भी आते रहते हैं कोई इधर मेरे ख्याल में कैंपिंग शैम्पिंग करता है, किसी ने यहाँ पे आग लगाई हुई है। जी भाई आपको नज़ारा कराते हैं हाइट से अपने विलेज का। तो जी भाई वो जो घर है ना मेड में, ठीक है, वो घर हमारा है, वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये नीचे सारा हमारा विलेज है, और वो पीछे वो जो एरिया है ना उसको बोलते हैं चंबर, ठीक है, और वो हमारी रोड जा रही है, और वो सामने जितना भी एरिया है ना वो है पुंछ रिवर, उसको भीला भी बोलते हैं। तो बेले भी आपको लेके जाएंगे, लेकिन वो हम लेके जाएंगे आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि एक व्लॉग में पूरा गांव हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी होती हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इतनी लंबी वीडियो हम बनाते नहीं हैं। अभी आपको सिर्फ तैतरी का ही विज़िट कराएंगे, तैतरी का तो आपको विज़िट कराते हैं, बाकी जैसा मैंने बोला था कि आपको हम जो है वो क्रॉसिंग पॉइंट दिखाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना लंबी हो जाएगी अगर आपको अभी मैंने वो दिखाया। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है ताकि हमारा हर नए आने वाला व्लॉग आपको आसानी से मिल सके। मुझे जो व्लॉग के साथ जितने आप जुड़े रहेंगे आप बहुत मज़े की चीज़ें देखेंगे यार, और हमें भी सपोर्ट किया करें यार, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इन्जॉय करें। तैतरी आपको दिखाते हैं, मज़ीद जो भी डिटेल आती हुई ना तो वो भी आपको हम बताएँगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ ऊपर से हम इंडिया का भी व्यू लेते हैं और पाकिस्तान का भी लेते हैं। तो जी भाई ये आ गई है पुंछ रिवर, ठीक है, इसके उस पार जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहे हैं ना वो ग्राउंड सारे के सारे इंडिया में हैं, उसको उस जगह को बोलते हैं चिलास, उस जगह का नाम है चिलास। हमें क्योंकि नाम आते हैं क्योंकि हमारे गांव के लोग अक्सर नदियों के नाम लेते रहते हैं, तो सामने पार आपको नज़र आ रही होगा वो वाली नक्की जो है, नक्की क्या पहाड़ी बोलते हैं, वो पहाड़ी जो है ना वो भी इंडिया की है, उसको बोलते हैं हाकी, ठीक है, हाकी टेकरी उसको बोलते हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी की जो है वो पोस्टें हैं। तो ये बीच में जो सारा आपको जंगल नज़र आ रहा है ना इसके अंदर भी बहुत सारी पोस्टें हैं इंडियन आर्मी की, क्योंकि अगर ना होती तो मैं भी हो सकता था ये पाकिस्तान के लोगों के पास होता, ये इंडिया के लोगों के पास होता। जैसे कि ये जगह, ये देखें ना जितनी भी जगह है ना ये अब पाकिस्तान के लोगों के पास है, यहाँ पर पाकिस्तानी लोग रहते हैं, इनके आईडी कार्ड्स वगैरह सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस दरिया के उस पार जो है ना उनके जो भी आईडी कार्ड्स वगैरह पे नाम लिखा होता है ना मतलब जगह का, तो वो इंडिया में आते हैं वो,
बेशक वो कश्मीरी हों लेकिन वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं, तो उनके आईडी कार्ड पे उनका आधार कार्ड या इस तरह का जो भी कार्ड होता है वो इंडिया का नाम उस पर लिखा होता है। तो बंदे तो जाके बैठ गए छाँव में, मैं भी जाके बैठता हूँ। यहाँ पे बनाएंगे माहौल, ठीक है, माहौल बना के जो है ना फिर हम इस पर थोड़ा सा जो है ना जंगल डांस करेंगे। जंगल डांस ये दबा लेते हैं मिसम भाई, और इस पर अभी हम लगाएंगे पश्तो गाना।